तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, नाना ने जो है नानो और सिबू दोनों को ही मार दिया है। अब जो तीसरा नंबर है वो किसका है, वो इस एपिसोड के अंदर देखेंगे। बट आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो इसके नीचे 40 कमेंट करवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और इसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी देखकर इसे लाइक करें और हमारा 1K लाइक का टारगेट पूरा करें। चलिए फिर अब ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ इस एपिसोड के अंदर ओंडेरा जो होता है उसी जगह पे होता है जहाँ पर नानाओ और नाना दोनों आए थे, जहाँ पर नाना ने नानाओ को नीचे फेंक दिया था। हम देखते हैं कि ओंडेरा जो है उस रस्सी को अपने हाथों में लेता है और सोचता है कि ये रस्सी टूट कैसे गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइड करता है कि वो जो है नीचे जाकर देखेगा कि क्या है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि बच्चे जो है स्कूल के अंदर आ गए हैं, जहाँ पर बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पर वो लड़की नाना सोचती है कि मैंने दो बंदों को तो मार दिया है इस क्लास के अंदर, अभी किसी तरह से इन्हें पता ना चल जाए कि इनको मैंने ही मारा है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोंगस कहता है कि यहाँ नानाओ जो है वो भी नहीं दिख रहा है और सीबी भू आज एब्सेंट है, पता नहीं ये लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पर नाना सोचती है कि अब तो मुझे जल्दी जल्दी इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता चल गया इन सबको कि मैं ही नहीं इन सबको मारा है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आइस बॉय होता है वो यहाँ पर नाना के पास आ जाता है और कहता है मेरा दिमाग रीड करके बताओ कि क्या चल रहा है। तो नाना बताती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है जो आइस मैन की गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर मोंगस कहता है कि तुमने सच में इसका माइंड रीड कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि ओंडेरा यहाँ पर आ जाता है। उसके बालों पे कुछ लगा होता है बट उसे कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो जो है उसका स्टाइल ही अलग है। हम देखते हैं कि यहाँ नाना कहती है ओंडेरा से लंच करने को, बट ओंडेरा कहता है मुझे भूख नहीं है, फुल इग्नोर मारता है। हम देखते हैं कि वो जो है एक मशीन में जाता है और वहाँ से दूध निकालता है। दूध निकालने के बाद वो उसका डेट देखता है और फिर एक कमरे में चला जाता है। बट यहाँ पर वो लड़की नाना उसका पीछा कर रही होती है। हम देखते हैं कि जब ओंडेरा यहाँ से चला जाता है तो वो लड़की वो सेम रूम के अंदर जाती है। वो देखती है यहाँ तो कोई भी नहीं है, बट वो नीचे देखती है कि दूध रखा होता है और दूध गर्म होता है। गर्म कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर गैस है। हम देखते हैं कि छोटी सी कैट यहाँ पर आ जाती है और वो दूध को पीना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि नाना जो है यहाँ पर फिर ओंडेरा को रोक कर कहती है तुम्हारे बालों पर कुछ लगा है सुबह से। वो जो है यहाँ पर अपने बालों से उसे हटा लेता है और फिर यहाँ नाना को कहता है बच्चे क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है। नाना सोचती है कि ये मुझे बच्चा क्यों कह रहा है, बट ओंडेरा का मानना है कि ये एक छोटी बच्ची ही है। फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ, बट मेरे घर पे कोई नहीं आता, तो क्या तुम मेरे रूम पे चलोगी। यहाँ नाना कैसे कैसे हाँ कर देती है और वो उसके रूम पे आ जाती है। रूम पे उसके बहुत सारी किताबें रखी होती है, एक टमाटर रखा होता है जिसपे डेट लिखा होता है। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ बैठ कर यहाँ पर एक गेम खेल सकती हो क्योंकि हम दोनों तो अब फ्रेंड हो चुके हैं। अगर तुम्हें गेम खेलने का पसंद नहीं है तो तुम जो है मेरे इस डॉल के साथ भी खेल सकती हो। बट नाना उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि नहीं ये गेम ही ठीक है। फिर यहाँ पर वो कहता है ओंडेरा कि तुम जो है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई हो, एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो फिर भी। वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड हैं। ओंडेरा कहता है कि ये फ्रेंड कैसे बना सकते हैं। नाना कहती है कि फ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए और अच्छी सिमिलरिटी होनी चाहिए, जैसे कि तुम एक जो हो बहुत ही लो के एफ बॉय हो। अब यहाँ पर ओंडेरा जो है उसे एफ बॉय का मतलब समझ में नहीं आता, तो वो पूछती है कि इसका मतलब क्या होता है एफ बॉय का। जितनी घूर के वो देख रहा होता है नाना को, नाना घबरा जाती है और कहती है कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल बॉय होता है जो लड़कियों को फोर्स नहीं करता है अपने रूम में लाकर। बट यहाँ पर वो दोबारा पूछता है क्या तुम उसकी डेफिनेशन बता सकती हो एफ बॉय का मतलब क्या होता है, पर उसे घुमाने के लिए बातों को ऐसे ही बोल देती है कि एक अच्छा लड़का होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर लिख लेता है, वो कहता है एफ बॉय मेरे लिए बहुत ही अजीब है। यहाँ पर वो भी
बहुत ज़्यादा ही नाना अजीब सोचती है कि पता नहीं ये क्या है, ये कैसे सोचता है। वो कहता है कि मुझे जो है नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब चीज़ों को जानना चाहता हूँ। तो वो नाना कहती है, इसीलिए तुम नानाओं को ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे जो है जानने की इच्छा है उसके बारे में, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ समय पहले मेरी यहाँ पर एक छोटी बहन आई थी और इस आइलैंड्स पे आने के बाद वो जो है यहीं से गायब हो चुक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ पर है। बट मैंने देखा कि जैसे ही यहाँ पर मैं आया, वैसे ही नानाओ जो है वो यहाँ पर गायब हो गया, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। अब वो दोनों ही गायब हो गए हैं, तो इसीलिए उन दोनों को ढूंढने का मेरा मन किया। यहाँ पर वो जो है एक मांगा ढूंढ रहा है, उस मांगा को उठाकर वो जो है दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये मिस हो गया है नानाओ, और वो जो है बहुत ज़्यादा मांगा पढ़ता है। तो वो कहता है कि देखो, इस मांगा के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे ही कहानी लिखी गई है। यहाँ पर जो हम बंदे आते हैं वो एक तरह के ट्रेजर होते हैं गवर्नमेंट के लिए, बट गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है। इस मांगा के अंदर भी एक लड़की है जो एक स्कूल के अंदर जाती है, जैसे ही वो जाती है वहाँ के बच्चे गायब होने लग जाते हैं। बट यहाँ नाना कहती है कि ये तो मेरी फेवरेट मांगा है और इसे मैं पढ़ के बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो नाना है वो मन ही मन प्लान बना लेती है कि अब जो है वो अंडेरा को मारेगी, और उसे मारने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी ओंडेरा दिखाता है नानाओ की घड़ी को। उसे देखकर नाना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। तो यहाँ पर वो कहता है ओंडेरा कि चलो मेरे साथ, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये मुझे कहाँ से मिली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना जो है घबराते हुए हाँ कर देती है, और फिर से वो उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नानाओ गिर गया था। यहाँ पर वो कहता है कि 13 तारीख को सुबह तुम यहाँ पर आई थी, मतलब स्कूल के अंदर। उसके बाद जो है 14 तारीख को यहाँ पर वो एब्सेंट हो गया, इसका मतलब इसके बीच में ही कुछ हुआ है। तो वो जो है वो कहता है कि नाना तुम बताओ कि तुम जो हो यहाँ पर क्या करने आई थी नानाओं के साथ। फिर वो इसे भी बताती है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आई थी और यहाँ पर बैठकर हम हैंग आउट कर रहे थे। बट तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। यहाँ पर जो ओंडेरा है वो कहता है कि वैसे तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पूरे ही आइलैंड पे घूमता ही रहता हूँ, बट मुझे पता है कि ये रस्सी टूटी हुई नहीं थी, बट आज ये टूटी हुई है, और यहीं पर नीचे गया तो मुझे जो है इसकी घड़ी मिली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये घड़ी वहाँ पर नीचे कैसे गई। इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो है बहुत ही कीमती घड़ी है, किसी रिलेशन वाले ने उसे दिया होगा। यहाँ पर वो सोचती है नाना कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। फिर यहाँ पर नाना कहती है कि अगर वो जो है उसे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है तुमने देखा ही था कि मोंगस के जो आग थी वो वाले बॉल से भी वो बच गया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है, बट मुझे जो है इस घड़ी को वापस देना पड़ेगा स्कूल के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी फैमिली मेंबर ने उसे दिया होगा, और मुझे ये भी लगता है कि कोई उसे मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमी बहुत ज़्यादा हैं जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस अफवाह के बारे में पहले ही सुन चुका हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने वाली है इस अफवाह के बारे में, क्योंकि मेरी बहन भी ऐसे ही गायब हो गई थी। यहाँ पर वो सोचती है नाना कि इसे मारना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कहती है कि चलो जो है हम इसे स्कूल के अंदर जमा करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो घर पर आकर चेक करती है तो ओंडेरा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि उसकी स्किल क्या है, उसकी टैलेंट क्या है, और कितने बंदे वो मार चुका है। यहाँ पर जब वो मिशन पर आ रही थी तभी उसे बताया नहीं गया था कि ओंडेरा के बारे में। फिर वो सोचती है उस टमाटर के बारे में जिस पर डेट लिखा हुआ था, और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे मार दूंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टीचर के पास आ जाते हैं, टीचर को वो सारी बात बताते हैं और घड़ी देकर कहते हैं कि तुम उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करो। वो जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि हम जो है कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए। फिर भी यहाँ पर टीचर कहता है कि चलो मैं जो हूँ किसी और से बात करके देखता हूँ, और वो बात करने लग जाता है। और जो ओंडेरा और नाना दोनों जो है ऑफिस से बाहर आ जाते हैं घड़ी वहीं पर रखकर। रास्ते में
नाना कहती है कि जो हमारा नानाव था उसे कैट बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो कैट्स को खाना दिया करता था, बट वो चला गया है। पता नहीं वो जो कैट होंगी वो कितनी भूखी होंगी। फिर हम देखते हैं कि उसके दिमाग में वो कैट वाली बात को डालना चाहती है, इसीलिए वो जो है डालकर यहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि मैं जो हूँ रेस्ट करने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंडेरा है वो भी सोता है कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ननाव के जाने के बाद ये दुखी नहीं है। फिर हम देखते हैं वो उसी मशीन के पास जाता है और दोबारा से यहाँ मिल्क निकालता है और फिर रास्ते में सोचते हुए भी जाता है उस लड़की के बारे में या नाना के बारे में। वो कहता है जब मेरी बहन यहाँ से गायब हो गई थी तो यहाँ पर जो हमारा नानाव है वो भी गायब होना चाहिए था, बट वो तो मर गया है मुझे ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना भी उसका पीछा कर रही होती है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ बिल्ली तो है नहीं है। फिर वो जो है यहाँ पर कहता है कि मैं देखा था कि मिल्क पहले मैंने पुट करके गया था, मतलब रख के गया था, बट अभी मिल्क जो है पूरा गायब है, लगता है बिल्ली ने पी लिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना जो है वो सोचती है कि अब मैं जो हूँ इसे मार दूँगी, क्योंकि मेरा जो है प्लान सही से चल रहा है और कोई मुझ पे अभी शक भी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मैं पूरे एडवांटेज में हूँ अभी यहाँ पर, अब इसको मैं यहीं पर मारूँगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो होता है ओंडेरा, वो गैस पर रखता है पतीला दूल उबालने के लिए, और जैसे ही वो माचिस अपने हाथों में लेता वो सोचता है कि अभी जो है मुझे मार सकता है कोई भी एनिमी, अगर आइसलैंड पर कोई एनिमी होगा, क्योंकि अभी जो है वो बहुत बड़े ही एडवांटेज में होगा, मुझे मारने में उसे ज़्यादा भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जो हूँ बिल्कुल अकेला हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अना जो होती है अपने प्लान के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब मैं रूम पे गई थी तो कूड़ा कचरा वैसे ही पड़ा हुआ था, यानी वो कूड़ा बहुत ही दिनों का था। क्या उसको बदबू नहीं आ रही थी? जब मैंने उस टमाटर को देखा तो उस पर डेट लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो जो है डेट को देख कर उस टमाटर को खाता है, उसको ऐसे पता नहीं चलता है। बट जैसे ही वो गैस को ऑन करता है, गैस लीक हो रही होती है और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, तो नाना जो है अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और वो बिल्ली को पहले ही बाहर लेकर आ गई है। वो जो है सोचती है कि अब जो है गैस पहले से ही ऑन है, वो सूंघ सकता नहीं है, तो अब वो मर गया होगा क्योंकि उसे स्मेल आएगी नहीं, और अगर ज़िंदा बच गया होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका टैलेंट क्या है। हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ भागते हुए जाती है तो देखती है कि ओंडेरा बाहर आ रहा है। वो उसका नाम लेकर उसके पास जाती है। वो कहती है कि ये तो मूव नहीं कर रहा है लगता है, बट यहाँ ओंडेरा जो है वो मूव कर रहा होता है। इसके पास जो है वो फिजिकल टैलेंट है, यानी फिजिकली इसकी बॉडी जो है बहुत है, वो जो है इस आग को भी झेल लेती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है नाना कि मैं पानी लेकर आती हूँ, बट ओंडेरा जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम ही क्यों हो यहाँ पर, तुम्हें पता था ना कि मैं जो हूँ यहाँ पर आग के लपटों के अंदर हूँ, पर तुम्हें पता कैसे चला? मुझे माफ़ करना इतने सवाल पूछने के लिए, बट मुझे जानने की इच्छा हुई इसीलिए मैंने पूछा। वो कहती है ठीक है। नाना जाने लग जाती है तभी यहाँ पर वो उसका पैर पकड़ लेता है। ओंडेरा कहता है कि हो सकता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो या फिर तुम माइंड रीड करती हो, इसीलिए तुम्हें पता चल गया होगा, और अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम हो सकता है कि तुम एकदम से वहाँ से बिल्ली भी लेके चली गई हो। मुझे माफ़ करना, ये जो है मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है तो वो पूछता है तुम इतनी ज़्यादा शौक क्यों हो, क्या तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम तो माइंड रीड कर सकती हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे जो है कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। और अब तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें सीक्रेट पता चल गया है कि मैं जो हूँ स्मेल नहीं कर सकता हूँ, बट ये फिक्र मत करो, ये जो है मेरी पावर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है और मैंने इसे पहले ही ठीक कर लिया है, क्योंकि मैं पैदा ही इसी तरह से हुआ था। वो कहता है। फिर यहाँ पर नाना कहती है कि ठीक है, मैसेज तुम्हारा रिसीव्ड हो गया है, मुझे थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओंडेरा है वो कहता है कि चलो तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। बट यहाँ पर जाते हुए नाना कहती है कि कभी ना कभी मैं इसे अनमार्क्स तो करूँगी ही, बट यहाँ ओंडेरा जो है उसके पास बहुत ही अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि ओंडेरा को पता चल गया है कि नाना यहाँ पर सभी को मारने के लिए आई है, बट वो छुपा क्यों रहा है? इस सवाल का जवाब जो है आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।